हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिट एजुकेशन मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम लोग फिजिक्स का सीरीज देखेंगे जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे वर्क पावर एंड एनर्जी है ना फिजिक्स में हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी देख रहे थे लास्ट क्लास में हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखे थे है ना डिफरेंट टाइप्स के पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो इस सब सारे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या कहते थे फाइंड किए थे आज जो नया टॉपिक है हमारा यह है इन कंजर्वेटिव फील्ड है ना कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैं आपको बताया था है ना कंजर्वेटिव फोर्स फोर्स के बारे में बताया था ऐसे ऐसे जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं और जिसमें जो, जो डिसिपेटिव इन नेचर नहीं होता है है ना जो डिसिपेटिव डेसीपेटिव नेचर नहीं होता है और पाथ इंडिपेंडेंट होता है ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग क्या किए थे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किए थे है ना

है ना टोटल टोटल ऑफ टू जीरो मतलब तो जितने भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था वहां पे क्या कर रहे थे हम जीरो कर रहे थे ठीक है तो आज हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है यही वो इक्विलिब्रियम है ये मतलब वहां से एनएलएम से थोड़ा सा डिफरेंट इक्विलिब्रियम है यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऐसे फोर्स के प्रेजेंस में है जो कि हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है ठीक है तो कंजर्वेटिव फोर्स से क्या आया कंजर्वेटिव फील्ड बनेगा और उसके इन्फ्लुएंस में जो इक्विलिब्रियम हम लोग डिफाइन करेंगे या पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे इन कंजर्वेटिव हम लोग जैसे हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये डिस्प्लेसमेंट का X के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में उसके पोजिशन के रिस्पेक्ट में पोजिशन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को देख रहे हैं ठीक है ये हमारा कुछ ग्राफ है ये हमारा ग्राफ है ठीक है ऐसा ग्राफ है इस तरह से हमको ग्राफ दिया हुआ है है ना किसके पोटेंशियल एनर्जी और उसके पोजीशंस के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी और उसके पोजिशन के रिस्पेक्ट में ठीक है ये हमारा ग्राफ ग्राफ है। इस में देखिए कहीं की तरफ जा रहा है। हमारा और यहां पर क्या बन रहा है पिक बन रहा है और यहां पर इसको क्या बोलेंगे वैली है, है ना? है और वैली है और ये पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजिशन का क्या है हमारा ग्राफ है तो आपको पता होगा ये रिलेशन आपको पता होगा कौन सा रिलेशन आपको ये रिलेशन पता होगा क्या होता है माइनस ऑफ यू अपॉन डी एक्स एफ कंजर्वेटिव फोर्स मैं आपको बताया हूं ये क्या होता है माइनस ऑफ यू अपॉन एक्स और देखिए ये हमारा क्या है ग्राफ है U और X का मैं क्या करता हूं वहां से फोर्स पता करता हूं इस वाले ग्राफ से फोर्स पता करता हूं है ना इस वाले ग्राफ से फोर्स पता करता हूं और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि यदि जो भी फोर्स होगा उसको यदि हम जीरो कर देंगे तो ये आ जाता है इक्विलिब्रियम तो सबसे पहले हम लोग फोर्स पता करते हैं फोर्स हमको पता है कि क्या होता है कंजर्वेटिव फील्ड का फोर्स एफ सी दैट इज माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स ट इज माइनस ऑफ डी यू अपॉन डीएक्स ठीक है यह क्या हो गया हमारा कंजरवेटिव फोर्स हो गया फोर एक्लिवरियम फोर एक्लिवरियम फोर एक्लिवरियम दैट इज एफसी इक्वल्स टू जीरो जो कंजर्वेटिव फील्ड का जो कंजरवेटिव फोर्स होगा उसको जीरो होना पड़ेगा दैट मीनस दैट मीन्स डी यू अपॉन डीएक्स That टू जीरो डी यू अपॉन डीएक्स इक्वल्स टू जीरो यहां तक समझ में आ गया कि इक्वेरियम यदि इक्वेरियम की बात हो रही है तो कंजर्वेटिव फोर्स या जो फोर्स का जो भी जो सा भी फोर्स होगा वो जीरो होगा लेकिन हम यहां पे कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स को क्या करना पड़ेगा जीरो करना पड़ेगा इक्वेरियम के लिए जैसे ही कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग जीरो किए दैट इज डी यू अपॉन क्या हो गया ये जीरो हो गया डी तो अपॉन डीएक्स जीरो का क्या मतलब है इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है स्लोप हो गया स्लोप हो गया इस कर्व का स्लोप हो गया डी यू अपॉन याद आ रहा है आपको आपको जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स नहीं जब हम लोग बे, मतलब बेसिक फिजिक्स जो हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर मैं आपको बताया था मैथमेटिकल टूल टॉपिक में क्या डी यू अपॉन क्या है ये स्लोप है अब ये डी यू अपॉन du अपन डेक्स जहां पर जीरो हो रहा है वहां पर क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा डी पे जीरो हो रहा है जहां पर होगा जहां पर ये टेंजेंट हमारा क्या होगा पैरेलल होगा किसके एक्सिस के जो इसके हैं और यहां पर भी क्या है जीरो है du अपॉन डीएक्स और ये भी क्या है ये भी पॉइंट क्या है डी ओ अपॉन डेक्स क्या है यहाँ पर जीरो मतलब इस इस पॉइंट पर ये हमारा पॉइंट ए हो गया ये हमारा पॉइंट बी हो गया इसको से इसको सी पॉइंट मान लेते हैं इस पर तो मतलब बहुत सारे पॉइंट इस पर है यहां यहां पर तो एक है, यहाँ पर तो एक पॉइंट पॉइंट तो है और पर तो पर तो बहुत सारे है क्या है ना यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट है लाइन है तो ए बी तो और सी पे हम लोग क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं ठीक है तो इस वाले पॉइंट पर ये जितने पॉइंट हैं ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना

तो मैं एक पॉइंट किसी एक पॉइंट का एनालिसिस कर रहा हूं तो ए बी और सी मान लेते हैं अब ए बी और सी पे कौन से पॉइंट पर कौन सा क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा तो यहां से ये कंसेप्ट आया कि भाई इक्विलिब्रियम के भी इक्विलिब्रियम का भी टाइप होगा बिल्कुल सही इक्विलिब्रियम का भी क्या होगा टाइप होगा तो बच्चे इक्विलिब्रियम पे भी हमारे पास तीन टाइप हैं दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम और इसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और यहीं से आएगा क्या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ठीक है समझ रहे हैं मैं यहां पर तीन तीन पॉइंट आपको डिसाइड किया और देखिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं कौन-कौन से स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और ये डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा के इसके पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा ठीक है आइए सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं पॉइंट चलिए, है, तो है, चलिए कि कोई सा भी मैं पार्टिकल लेता हूं इसको मैं थोड़ा सा थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं इधर तो आ जाएगा अपने ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो मैं क्या करता हूं इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं और रिलीज कर देता हूं उसको आ जाएगा यहां पे उसके बाद मान के चलिए यहाँ से मैं इधर डिस्प्लेस करता हूँ फिर भी आ जाएगा यहाँ पे है ना फिर भी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ऐसे को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां से आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे वापस से वो क्या आ जाएगा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा वापस से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम

इधर रिलीज कर देता हूं तो इधर गिर जाएगा वापस से इक्विलिब्रियम पोजिशन पर नहीं आएगा या मैं इधर रिलीज कर देता हूं तो इधर आ जाएगा वापस से इक्विलिब्रियम पर नहीं आएगा तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा ये कहीं नहीं भागेगा ना तो इधर भागेगा ना इधर भागेगा आपको यहां से मान के चलिए यहां पर है यहां पर इक्विलिब्रियम है पॉइंट सी पर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए यहां पर छोड़ दीजिए वहीं पर रहेगा या इसको आप इधर से इधर डिस्प्लेस कीजिए वहीं पर रहेगा ये गिरेगा नहीं क्योंकि ये लाइन है है ना आप इधर कीज़े, इधर कीजिए कीजिए कुछ नहीं होगा मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम हो हो गया Neutral हो गया न्यूट्रल अब आइए वन बाय वन हम लोग इसको और इसके बारे में और इसके मैथमेटिकल mathematical, मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा और समझते हैं और वन बाय वन हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आराम से हम लोग समझेंगे ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं स्टेबल इक्वीवरियम स्टेबल स्टेबल इक्वरियम इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं वैन Particle is, is slightly displaced, is slightly displaced from equilibrium position when particle is slightly displaced from equilibrium position and released and released then it again comes to इक्वरियम पोजिशन एंड पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्वीरियम पोजिशन है ना स्लाइटली इसको डिस्प्लेस्ड करेंगे इक्विवर पोजिशन से और उसको रिलीज कर देंगे तो अगेन वो क्या आ जाएगा इक्विवरियम पोजिशन पे आ जाएगा तो ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही इक्वीरियम को हम लोग क्या बोलते हैं स्टेबल इक्विवरियम स्टेबल इक्वरियम हम लोग ये देखे थे कि d डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो मतलब स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि भाई पार्टिकल को वहां पे डाले पार्टिकल को रिलीज कर दिए मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस किसको बाद क्या किया उसको रिलीज कर दिया तो वापस से वो अपने पोजिशन पे आ जाएगा ऐसे ही ऐसे ही इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोग जब ये यहां पे जब हम लोग देखे थे अच्छा ये जो इक्वेबरियम पोजिशन है स्टेबल इक्वेबेरियम पोजिशन स्टेबल इक्वेबरियम पोजिशन पर देखिए ये जो है इसको ठीक है ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मिनिमम है तो मतलब ये क्या हो गया U मिनिमम और ये क्या हो गया U मैक्सिमम मीन्स एक चीज आप देख सकते हैं कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिनिमम है और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्सिमम है मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है और और अनस्टेबल इक्वेबरियम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है है ना कोई भी कुछ भी हो कोई भी अपने अपने आप को स्टेबल 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 रहना रहना चाहता है, ना? रहना चाहता है 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 ना मतलब 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 कैसे इसको याद रखेंगे या मतलब समझने की बात है कोई अपने आप को क्या हमेशा स्टेबल रहना चाहता है मतलब अपनी एनर्जी को कम रखना चाहता है है ना तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो, होगा? होगा. होगा तो क्या होगा स्टेबल होगा और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा तो क्या होगा अनस्टेबल होगा ठीक है हम लोग यहां पे थे स्टेबल इक्विलिब्रियम पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ठीक है स्टेबल इक्विलिब्रियम पे तो यहां पर क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी शुड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम है ना स्टेबल मतलब स्टेबल में क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा अच्छा जैसे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट से समझे मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट से समझे मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट जो हम लोग देखे थे है ना

क्योंकि वहां पे मिनिमा है तो मिनिमा पे क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. मतलब इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या डी अपॉन डी एक्स दैट इज यू अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन जीरो और हम लोग जानते हैं कि डी यू अपॉन डी एक्स क्या होता है एफ सी होता है डी अपॉन डी एक्स क्या होता है डी यू अपॉन डी एक्स क्या होता है माइनस एफ सी अपॉन डी एक्स दैट इज ग्रेटर देन जीरो और यहां से हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा डी एफ सी अपॉन डी एक्स ये क्या हो जाएगा लेस देन जीरो कंजर्वेटिव फोर्स और एक्स के में रिस्पेक्ट में यदि आपको कर्व दिया रहेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब डी एफ सी अपन क्या होगा लेस देन जीरो मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है मतलब उस कर्व के मिनिमा पे पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है मिनिमा के लिए कंडीशन हम लोग जानते हैं कि जहां पर मिनिमा होता है वहां पर डी टू डी डी टू यू अपॉन स्क्वा ग्रेटर देन होता है तो इतना कहानी समझ में आ गया आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम का कि स्टेबल इक्विलिब्रियम सबसे पहले तो कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा एफसी जीरो होगा तो डीयूपन डेक्स जहां पर जीरो होगा डीयूपन डेक्स जहां पर जीरो होगा वहां पर इक्विलिब्रियम होगा है ना वहां पर इक्विलिब्रियम होगा कौन सा इक्विलिब्रियम होगा नहीं पता है

लेस देन जीरो होगा और इस वाले पॉइंट पे डी टू अपन डिफरेंशिएट कर क्या होगा जीरो होगा नादर मैक्सिमम नॉर मिनिमम ठीक है चलिए हमारे हिसाब से आप लोग समझ गए और ये आपका हो गया क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम इतना चीज आप इस मैथमेटिकली आप इस चीजों को समझे या नहीं समझे मैथमेटिकली आप समझ गए कि भाई मैक्सिमम मिनिमम से हम लोग इस बात को ये समझे कि डी टी ओ डीएक्स स्क्वायर क्या होगा उस पॉइंट पर ग्रेटर देन जीरो होगा और डी एफ सी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा लेस देन जीरो हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं किसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का सबसे पहले इक्विलिब्रियम है तो डी यू अपन डी एक्स क्या होगा जीरो होगा जहां पर जीरो होगा वहां पर इक्विलिब्रियम होगा है ना अब कौन से पॉइंट पर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा उसके लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा तो हम लोग बताए थे कि भाई ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है इसको हम लोग कैसे समझेंगे इसको पहले हम लिख लेते हैं व्हेन मैं आपको बताया था उसको लिख लेते हैं व्हेन particle age and particle age and particle is slightly and particle is slightly released from Particle is slightly released from equilibrium position. Sorry, one minute. Okay, Wait, one minute. Hmm. When particle is slightly displaced from displaced from its equilibrium position equilibrium from its equilibrium position and एंड रिलीज है ना इक्वेरियम पोजिशन से क्या किया इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया उसके बाद देखिए कि भाई ये पार्टिकल क्या मतलब इक्विवेरियम पोजिशन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है फ्रॉम इट्स इक्वेरियम पोजिशन एंड रिलीज वैन इट डज नॉट इट डज नॉट कम्स टू इट्स क्वरियम पोजिशन देन इट इज अनस्टेबल एक्लिबरियम देन इट इज अनस्टेबल देन इट इज अनस्टेबल एक्लिबरियम ठीक है ग्राफ्स हम लोग देखे थे पर उसको और देख लेते हैं

यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी शुड बी पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजिशन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मैक्सिमम अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इसको हम लोग यदि मैक्सिमम मिनिमा से समझे हम लोग इसको यदि मैक्सिमा मिनिमा से समझे तो ऐसे पॉइंट पर जहां पर क्या होता है पिक होता है उस वाले पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है लेस देन जीरो होता है दैट इज डी टू यू अपॉन डेक्स स्क्वायर लेस देन जीरो हो जाएगा पिक पर है पिक पर क्या होता है यदि ग्राफ का यदि मैक्सिमा है मैक्सिमा यदि उसका ग्राफ पे है तो वहां पर डबल डिफ्रेंसियन तो ग्राफ का क्या होता है लेस देन जीरो पर क्या हो जाएगा लेस देन जीरो हम लोग जानते हैं कि डी यू अपॉन एक्स होता है क्या एफ सी दैट इज माइनस ऑफ डी यू अपॉन एक्स होता है एफ सी अब इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स और ये हो सकता है डी यू अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा लेस देन जीरो और डी यू अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं माइनस एफ सी मतलब d अपॉन डी एक्स माइनस एफ सी लेस देन जीरो और यदि इसको माइनस को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डी एफ सी अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन जीरो ठीक है डी एफ सी अपॉन डेक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर मतलब यदि 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 होगा यदी, यदी DFC upon Dx greater than zero होगा तो क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कब जब हमको कंजर्वेटिव फोर्स और उसकी पोजिशन का ग्राफ दिया रहेगा तो आप लोग इसको मैथमेटिकली आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए ठीक है ना तो ये हो गया हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में न्यूट्रल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या था कि हम लोग ऐसा इक्विलिब्रियम था है ना कि मान के चलिए पार्टिकल को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया उसके क्लियर पोजिशन से ये वहीं पर है ये ना तो वहां से कहीं भी कहीं भी इधर उधर भाग नहीं रहा है वो जहां पे इसको छोड़ दे रिलीज कर दे वहीं पर रह रहा है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं व्हेन व्हेन पार्टिकल इज स्लाइटली slightly displaced from its from its equilibrium position from its equilibrium position and released And released, it does not move, it does not move away or towards the equilibrium position. कहने का मतलब है ना तो ये दूर जाता है पोजिशन से और ना ही उसके पास आता है ठीक है मतलब यदि ऐसा सीधा सा लाइन था यहां पर रिलीज इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं इधर की तरफ तो भाई वहीं पर रहेगा वहीं पर रहेगा और या तो आप इधर इसको इधर रिलीज करिए तो यहीं पर रहेगा मतलब ना तो ये पोजिशन के अवे जाता है और ना है ठीक है तो ऐसे ऐसेम को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रल इक्वेरियम बोलते हैं ऐसे को क्या बोलते हैं न्यूट्रल इक्वेरियम बोलते हैं अब इस न्यूट्रल इक्वेरियम में यदि हम इसको मैथमेटिकली समझे मैक्सिम मिनिमा कंसेप्ट में तो वहां पर क्या होगा डी टू यू अपॉन डीएक्स स्क्वायर यह क्या हो जाएगा जीरो यहां पर मैक्सिमा मैक्सिम और तो वहां पर क्या होता है डी टू यू अपॉन डीएक्स स्क्वायर क्या होता है जीरो होता है आप इसी को लिख सकते हैं क्या d अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स टू जीरो और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो अपॉन डी एक्स ये क्या हो जाएगा जीरो तो यहां पर क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा तो आप देखिए आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाए या नहीं समझ पाए तीनों इक्विलिब्रियम को इत्मीनान से कि भाई इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन यदि आ गया हमारे पास कर्व है पोटेंशियल एनर्जी का और एक्स का तो मैक्सिमम मिनिमा से हमने कैसे उसको फाइंड किया कि भाई कहां पर इक्विवेरियम क्या होगा कहां पर कहां पर स्टेबल इक्विवेरियम होगा और कहां पर न्यूट्रल इक्विवेरियम होगा और कहां पर अनस्टेबल इक्विवेरियम होगा ठीक है और उसके बाद जब इतना हो गया इतना यदि हम लोग पता कर लिए तो उसके बाद हम ये भी पता किए क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना ये कंजर्वेटिव इसको यहां पर लिख लीजिएगा यहां पर ये कंजर्वेटिव ठीक है उसके बाद हम लोग ये भी पता कर लिए कि भाई यदि हमारे पास क्या कंजर्वेटिव फोर्स और पोजिशन का यदि कर्व रहेगा तो हम लोग को हम लोग कब पता कर लेंगे कि उसका कहां इक्विलिब्रियम होगा कहां पर होगा और कहां पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा चलिए आइए हम लोग देखते हैं ये हमारे पास मान लीजिए कि ये क्या है अब कंजर्वेटिव फोर्स का कर्व दिया हुआ है आपके पास ठीक है कंजर्वेटिव फोर्स का कर्व आपके पास दिया हुआ है ठीक है ये कुछ कंजर्वेटिव फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स का आपके पास कर्व दिया हुआ है और ये पॉइंट है ए बी सी डी यहां पर एफ तो कहां कहां पर इक्विलिब्रियम होगा कहां कहां पर इक्विलिब्रियम होगा और कौन सा इक्विलिब्रियम होगा आपको ध्यान होना चाहिए ये किसका है कंजर्वेटिव फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का कर्व है तो कहां पर इक्विलिब्रियम होगा फोर इक्विलिब्रियम सबसे पहले सबसे पहले तो फोर इक्विलिब्रियम फोर ियम हम लोग जानते हैं कि एफ सी टू क्या होता है जीरो तो तो कहां, कहां पर जीरो हो रहा है देखिए यहां पर जीरो हो रहा है कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर जीरो हो रहा है और जीरो पर एफ पर जीरो हो रहा है मतलब इक्वीरियम होगा इक्वीरियम पॉइंट जो होगा हमारा वो इक्वेरियम पॉइंट जो होगा ये कौन सा होगा इक्वेरियम पॉइंट हमारा होगा बी सी एंड बी सॉरी सी नहीं होगा बी डी एंड एफ यही हमारा इक्वेरियम पॉइंट ए सी और ई e तो क्लिवेरियम पॉइंट नहीं है ए सी एंड ई इज नॉट अ इक्वेरियम पॉइंट इज नॉट अ इक्लेरियम पॉइंट

चलिए अब बी पर एट पॉइंट बी एट पॉइंट बी स्लोप देखिए इसका क्या है यहां का स्लोप क्या है निगेटिव है मतलब डीएफसी अपॉन डी एक्स क्या है लेस देन जीरो है DFC अपॉन डी एक्स क्या है लेस देन जीरो है और मैं आपको बताया था कि जहां पर भी डी एफ सी अपॉन डी एक्स क्या होगा लेस देन जीरो होगा वो क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? जहां पर हमारा कर्व था जहां पर डी टू यू अपॉन डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर यह क्या होगा ग्रेटर देन डी टू अपन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर होता है क्या मिनिमा ये ये क्या होता है मिनिमा का कंडीशन होता है और मिनिमा का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम तो डी टू यू अपन डिक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हुआ ये कब होता है मिनिमा पे होता है ये कंडीशन कब है मिनिमा का है और मिनिमा पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मिनिमम अब अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम वहां पर ऐसे तरह से लिखे थे क्या डी यू अपॉन डी एक्स ग्रेटर जीरो और डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाता है माइनस ऑफ एफ एक्स याद रखिएगा यह हो जाता है माइनस ऑफ एफ एक्स और यही साइन चेंज कर देता है डी एफ एक्स डी एफ सी अपॉन डी एफ सी अपॉन डी एक्स लेस देन जीरो मतलब डी एफ सी क्या होगा लेस देन जीरो होगा तब जाकर स्टेबल होगा तो यहां पर यदि जीरो आ रहा है DFC upon Dix, यहां से zero आ रहा है तो ये क्या है स्टेबल का कंडीशन है ना तो मतलब लेस देन जीरो आ रहा है मतलब क्या हो गया ये स्टेबल इक्विलिब्रियम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का जो होगा डी यू अपॉन डी यू अपॉन डी टू यू अपॉन स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर जीरो होगा क्या होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मिनिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मिनिमम होगा ठीक है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मिनिमम होगा अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट डी पर इसको मैं इधर से रफ करता हूं यहां पे मेरे पास थोड़ा सा रहेगा ना जगह अब एट पॉइंट डी एट पॉइंट डी है ना अस एट पॉइंट डी पर क्या होगा अब लिए होगा यहां पर क्या है कंजर्वेटिव फोर्स क्या है जीरो है कंजर्वेटिव फोर्स क्या है जीरो है यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है जीरो है यहां पर इस वाले पॉइंट पर ठीक है तो यहां पर क्या हो गया यहां पर क्या हो गया इक्विलिब्रियम हो गया ठीक है यहां पर क्या हो गया इक्विलिब्रियम हो गया अब इस पॉइंट पर पॉइंट डी पर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा तो देखिए यहां पर यहां का जो स्लोप हम लोग चेक करेंगे तो ये देखिए पॉजिटिव स्लोप है मतलब यहां पर डी एफ सी अपॉन डी एक्स क्या है ग्रेटर देन जीरो है और डी एफ सी अपन डेक्स यदि ग्रेटर देन जीरो है तो यहां पर क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा हमको फिर से समझाना तो नहीं है है ना फिर से समझाना तो इसमें नहीं है डीएफसी अपॉन डेक्स क्या होगा ग्रेटर देन जीरो पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग देखें d2u टू ये d2u टू यू अपॉन डीएक्स स्क्वायर यदि क्या लेस देन जीरो होता है तो डी टू अपन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो का मतलब क्या है ये मैक्सिमा यहां पर क्या होगा मैक्सिमा और इस मैक्सिमा पर क्या होता था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अब यहां से यदि हम लोग देखें तो डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डीएक्स यह क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डीएक्स डी क्या हो जाएगा तो मतलब यहां से डी एफ सी अपॉन डेक्स क्या ग्रेटर देन जीरो समझ गए तो डी एफ सी अपॉन डेक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ठीक है अब कौन सा एट पॉइंट एफ एट पॉइंट एफ इस पॉइंट एफ पे कौन सा इक्विलिब्रियम होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ना एट पॉइंट एफ पर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा यहां पर तो डीएफसी अपॉन डीएक्स क्या है जीरो होगा यहां पर क्या होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है स्लोप वहां पर क्या है जीरो है

चलिए अब इसके ऊपर में हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं है ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ टू एटम्स Potential energy of interaction of interaction of two atoms. Potential energy of interaction of two atoms of molecule of molecule is. एज गिवन बाय यू टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स है ना ये है वेर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट ये जो ए एंड बी है कहां सेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज पॉजिशन एंड ये आपको बता दिया है कि एंड एक्स इज पोजिशन एंड एक्स इज पोजिशन फाइंड इक्वेरियम पोजिशन फाइंड equilibrium position find equilibrium position and also identify the types of equilibrium and and also identify the types of टाइप्स ऑफ इक्लिब्रियम ठीक है इसको आप अपने आप से थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए ठीक है पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ है क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ है और पता करना है फंड इक्विलिब्रियम पोजिशन सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम पोजिशन पता करना है तो इक्विलिब्रियम पोजिशन पता करने के लिए क्या कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजिशन पता करने के लिए यदि हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी है तो यदि इसको हम लोग क्या करें एफसी होता है माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स कैपिटल यू ले लेते हैं सॉरी एफसी होता है माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स तो यहां से यदि हम लोग निकालें तो एफसी माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस b upon x ठीक है तो इतने पोजीशन पता चल जाएगा fc को यदि हम लोग जीरो कर देंगे तो कौन-कौन से पॉइंट पर fc जीरो होगा वहां पर क्या होगा पता लग जाएगा क्या ना इस वाले पॉइंट पर क्या इक्विलिब्रियम है तो यहां से थे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो a तो बाहर आ जाएगा a बाहर आ जाएगा a और ये हो जाएगा क्या x³ x -2 तो of माइनस ऑफ टू ए एक्स क्यूब उसके बाद प्लस ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा क्या ये आ जाएगा प्लस में टू ए अपॉन एक्स क्यूब माइनस ऑफ बी अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक है ये हो गया हमारा एफ सी ये क्या हो गया एफ सी अब अब आप क्या कीजिए एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर यह कितना टू ए अपॉन एक्स और ये क्या आएगा बी ठीक है ये हो गया हमारा एफ सी का वैल्यू अब किस किस पॉइंट पर एफ सी को जीरो कराना पड़ेगा मतलब किस किस पॉइंट पर एफ सी यदि जीरो हो जाए तो हमको पता चल जाएगा क्या यहां पर क्या है इक्विलिब्रियम है तो ये एक तो एक्स बराबर यदि इंफिनिटी रख देते हैं यहां पर तो क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा

2a/b x 2a/b मतलब दो पॉइंट निकला कौन-कौन सा एक तो x इंफिनिटी और x 2a/b यहां पर क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा अब हमको यह पता करना है कि कौन-कौन से पॉइंट पर कौन सा एकलिवरियम? इसने कह रहा है कि भाई टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी बताओ हमको हमको तो पता चल गया कि x इंफिनिटी और x इंफिनिटी और 2a/b ये क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमको पता करना है कि x इक्वल टू इंफिनिटी पे और टू ए अपॉन बी पे कैसा इक्विलिब्रियम है तो हमारे पास देखिए एफ सी एफ सी हमारे पास ये है एफ सी क्या है ये है अब बताइए यदि ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजिशन है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है कौन कौन सा x बराबर इन्फिनिटी और 2a ए अपॉन बी तो क्या करें कि हमको पता चल जाए कि कौन सा क्या है इक्विलिब्रियम है किस टाइप का ये इक्विलिब्रियम है तो x बराबर इन्फिनिटी सबसे पहले dfc एफ अपॉन डी एक्स कहां पर निकाले हम लोग अच्छा ये तो हमारा एफ -सी हो गया ना तो हम लोग डी एफ निकालते हैं डी एफ

उसके बाद यदि हम लोग यहां पर देखे हैं तो ये यह ये आ गया टू बी अपॉन एक्स ठीक है मतलब यहां से देखिए तो आप सिक्स ए अपॉन एक्स पे पावर फोर प्लस टू बी अपॉन एक्स क्यूब क्या हो गया डी एफ तो सी अपॉन डी एक्स अब एक्स इक्वल टू इंफिनिटी रखिए इसमें एट एक्स इक्वल टू इंफिनिटी तो डी एफ सी अपॉन क्या हो गया एक्स बराबर इन्फिनिटी रखिए तो जीरो हो गया मतलब x बराबर इंफिनिटी पे क्या है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ठीक है उसके बाद एट x इक्वल टू ए अपॉन बी तो एक्स बराबर टू ए अपॉन बी रखिए तो ये क्या आ जाएगा सबसे पहले इसको बाहर निकाल लीजिए वन अपॉन एक्स क्यूब बाहर निकाल लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास ये बचेगा कितना माइनस सिक्स ए अपॉन एक्स प्लस टू बी बचेगा अब थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पर माइनस सिक्स ए अपॉन एक्स है तो टू ए इंटू बी हो गया प्लस इधर क्या है टू बी ये कैंसिल हो गया ये क्या सिक्स आ गया तो माइनस थ्री बी प्लस टू बी ये माइनस में आएगा मतलब बी क्यूब अपॉन एट ए क्यूब एट ए क्यूब और ये क्या है माइनस थ्री बी प्लस टू बी ये आ जाएगा माइनस बी और ये आ जाएगा माइनस बी पावर फोर और ये क्या होगा एट ए क्यूब और ए और बी हमारा क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट है ए और बी क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट है मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया निगेटिव हो गया क्या हो गया निगेटिव हो गया मतलब डी एफ सी अपॉन डी एक्स क्या आ गया लेस देन जीरो हो गया डीएफसी तो पहा लेस देन जीरो होता है वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम ठीक है जहां पर डीएफसी क्या होता है लेस देन जीरो होता है वो क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है समझ गए तो किस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं हमेशा एग्जाम में ठीक है तो ये हो गया हम लोग की कहानी यहां तक का इक्विवरियम का है ना है ना कंजर्वेटिव फील्ड ठीक है तो इसको आप लोग देखिएगा इसको अच्छे तरीके से आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अब अच्छा अच्छा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या करेंटिक एनर्जी थ्योरम मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी जो कंजर्व होता मतलब मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम थ्योरम पढ़ेंगे है ना तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है तो इतना चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे आ, तब तक आप इसको जितना भी पीछे पढ़ाए उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन जहां से होता है उसको आप सॉल्व कीजिए ठीक है फिर बाय बाय थैंक यू